हाय फ्रेंड्स, कुक विथ इंडियन टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरबी की मसालेदार सब्ज़ी। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे आप रोटी, चपाती, पूरी या फिर चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ली है 500 ग्राम अरबी। अरबी को कुकर में हमने एक सीटी लगने तक उबाला है। उबालने के टाइम में थोड़ा सा नमक डाल दिया था। एक ही सीटी लगाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इस सारे अरबी का ना छिलका निकाल लेंगे। जो अरबी बड़े पीस में है उसे 2 से 3 टुकड़ा कर लेंगे। दम बनाने के लिए आप छोटा और गोल वाला भी अरबी ले सकते हो। तो यहाँ पे लिए कढ़ाई में तेल 1 चम्मच। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे 1/2 चम्मच ये अजवाइन, और ये डाल देंगे छिला हुआ अरबी और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। मिक्स कर लेंगे। नमक इसलिए इस टाइम डाला है ताकि अरबी हमारी फीकी ना रहे, और मसाले डालने से इसमें और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। अब जो अरबी में चिपचिपाहट होता है ना, उसे हटाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन, और इसमें ना एक बेसन का अच्छा सा लेयर आ जाएगा। और अरबी को हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे, मतलब स्लो फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, अरबी अलग अलग दिखने लग गया है और ये अरबी फ्राई होके तैयार है। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच फिर से अजवाइन, 1/2 चम्मच जीरा, धीमी आंच पे रखा है हमने तेल को, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, 2 से 3 लाल मिर्च। और लाल मिर्च को ना कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 लौंग डाल दिया, 1 हरी इलायची डाल देंगे तोड़ करके, और इस मसाले को कुछ सेकंड के बाद रोस्ट होने के बाद डाल दिया 2 प्याज बारीक कटी हुई। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए, कुछ ही देर में हमारा प्याज फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टमाटर लाल लाल, तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था, वो डाल देते हैं। मिक्स करेंगे। मसाला को पकाने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी, और मसाले को मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। 6 से 7 मिनट लगेगा इस मसाले को पकाने में। तो चलिए, ढक्कन को बंद कर देते हैं। इसका और मसाला हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे लिया है फ्रेश दही 1.5 कप, और 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर या फिर किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है, तीखा नहीं होता है। तो मैं इस मसाला में अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो ये 1/2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके मिक्स कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी पक जाए। तो ढक्कन बंद करके तेल सेपरेट होने तक मसाला को पका लेंगे, और ये दही वाले मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना कि दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी दही नहीं लेना। और ये मसाला को हमने मिक्स कर लिया है, गुठलियाँ टूटने तक हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये मसाला भी हमारा भुन गया है, जो भी पानी डाला था ना वो पानी सूख गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये दही वाला घोल, जो कि मसाला बना करके रखा था और आंच को धीमी रखा है। 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे लगातार चलाते रहेंगे। अगर इस टाइम छोड़ दोगे तो वो दही फट जाती है। अब देखिए, इसमें उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ज़रूरत के अनुसार पानी, जितना आपको ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से इसमें उबला हुआ पानी डाल देंगे। उबला हुआ पानी डालने से सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब नहीं होता है, और जो कुकिंग होता है ना वो रुकता नहीं है। मिक्स करके इस मसाले में 1 उबाल आने देंगे,
तो देखिए मसाले में एक उबाल आ गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये फ्राई किया हुआ अरवी। अरवी को हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि बेसन इसमें लगा हुआ है तो वो टूट फूट ना जाए, इधर उधर बिखर ना जाए। इसमें डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरा धनिया के पत्तियाँ। अरवी तो हमारा वैसे ही पका हुआ है तो 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे इस सब्ज़ी को। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ घर की मलाई 2 बड़े चम्मच मिक्स करके। आप इस जगह पे फ्रेश क्रीम भी, अमूल का जो क्रीम आता है ना, वो भी डाल सकते हो। क्रीम डालने के बाद 3 से 4 मिनट पकाना है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।